मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आप देख सकते हैं मैं आपको जो है पनीरियाँ दिखा रहा हूँ जो मैंने सीडलिंग लगाई थी और वो स्टार्ट हो चुकी है, स्प्राउटिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो मैं पनीरियाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये सब समर सीज़न के फ्लावर की पनीरियाँ हैं। समर सीज़न में कौन कौन से फ्लावर लगाए जाते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो जो सबसे नंबर वन पर है ये है जीनिया मिक्स। मतलब जीनिया में बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं फ्लावर के, तो मैंने मिक्स जीनिया के कलर वाले फ्लावर की सीडलिंग की है, जिसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और इसी के पीछे ये डहलिया मिक्स है। डहलिया हालांकि विंटर का फ्लावर है, लेकिन मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने कहा अब इसको कौन साल तक संभाल के रखे, तो मैंने इसकी भी सीडलिंग कर दी, तो डहलिया भी निकलना शुरू हो चुके हैं। डहलिया ऐसा पौधा है, इसको मैं शेड में संभाल के रखूँगा तो नेक्स्ट सीज़न तक ये चल जाएगा। और साथ ही ये देख सकते हैं आप गोमफिराना, इसके भी बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर फ्लावर होते हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसे अपने कलेक्शन में ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत है। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे विनका रोज़ मिक्स। विनका फ्लावर है, ये देसी वाले हाइब्रिड वाले मल्टी कलर है। इसमें विनका की सीडलिंग थोड़ी लेट शुरू होती है, पर फिर भी इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे 6 से 8 जो है प्लांट मरे नज़र आ रहे हैं। और इसमें मज़ीद स्प्राउटिंग होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें बीज डाले हैं। तो इसकी जो स्प्राउटिंग लेट शुरू होती है, तो मज़ीद और स्प्राउटिंग इसमें स्टार्ट होगी। और ये कोलियस मिक्स है, कोलियस की भी मैंने सीडलिंग की है, इसकी भी स्प्राउटिंग लेट शुरू होती है। और ये विंटर फ्लावर है, लेकिन इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी भी ग्रोथ चलती रहेगी, 12 महीने ये भी चल जाता है। और साथ ही में देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रिज़ल्ट आया है, ये बेल्सम मिक्स फ्लावर है, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और ज़बरदस्त इसकी सीडलिंग हो रही है। और इसमें ये एक वीड्स उग रहा है, तो वीड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वीड्स को हम निकाल देंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉटिंग हो। और साथ ही आप देख सकते हैं ये किलोसिया क्रिस्टिटा का मैंने सीडलिंग की थी, और इसमें अभी तक ये सिर्फ 2 स्टार्ट हुए हैं। ये दोनों तो मुझे विट्स लगते हैं, इसकी अभी तक समझो आप सीडलिंग स्टार्ट नहीं हुई। और ये किलोसिया प्लोमोसा मिक्स, ये भी बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, और आप देख सकते हैं इसकी भी अच्छी खासी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये गलार्डिया मिक्स, आपको फ्लावर भी इसके नज़र आ रहे होंगे, मल्टी कलर इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये घने घने दिखते हैं। और स्प्राउटिंग इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त, इसमें मुझे बहुत सारे गमले मिलने वाले हैं, ज़बरदस्त। और आखिर में वीडियो एंड करते हुए मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, यह है पोर्चुला का मिक्स, और इसकी भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसके काफ़ी छोटे छोटे हैं, स्प्राउटिंग आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही होगी। तो पोर्चुला का मिक्स, इसको मॉस रोज भी कहते हैं, ऑफिस टाइम भी कहते हैं, और इसे 9 o'clock भी कहते हैं। इसके फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके गार्डन को खूबसूरती देते हैं। तो कैसी लगी मेरी समर सीज़न की फ्लावरिंग की ये मेरा कलेक्शन, आप मुझे बताइएगा। बस 1 से 1.5 महीना गुजरेगा और मेरे पास फ्लावर ही फ्लावर होंगे समर सीज़न वाले, जो तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक चलने वाले हैं मेरे पास। तो मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ बंधे रहे। चले, अल्लाह हाफिज़।